सागर जिले के देवरी के गौर झामर थाना अंतर्गत बुधवार के करीब 12 बजे केसली की तरफ से आ रही इको स्पोर्ट्स डीजल फोर व्हीलर गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाक हो गई। हीरो एचएफ डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माय आरटीओ बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब 77,500 रुपए में आज ही अब हीरो एचएफ डेलक्स खरीदें। जानकारी के अनुसार गाड़ी में उद्यान विभाग के कर्मचारी वृक्षारोपण के कार्य से फील्ड पर थे। इस दौरान जब इको स्पोर्ट्स फोर व्हीलर गाड़ी गौर झामर फोर लाइन चौराहे पर पहुँचने ही वाली थी तो अचानक बोनट से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने देखा तो आग लगी हुई थी। चालक ने गाड़ी को आरन फानन में रोका और गाड़ी में सवार सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर गए। आग को बुझाने का प्रयास शुरू करते हुए वहां पर आसपास मौजूद लोगों को आवाज लगाई गई पर आग बुझाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर भी मौके पर नहीं पहुंच पाई। डायल 100 पर घटना की सूचना दी गई। जब तक वहां गौर झामर पुलिस पहुंची तब तक इको स्पोर्ट्स गाड़ी लगभग 90% जल चुकी थी। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। गौर झामर थाने में आगजनी की घटना की कमी कराई गई है। घटना हम जो है कि गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते वक्त जो है कि मुश्किल से 10 मीटर पहले जहां गाड़ी में आग लगी हुई आप लोग देख रहे हैं, 10 मीटर पहले हल्का आयल निकला है, गाड़ी में खड़ी किया हूँ, दैन स्पॉट तुरंत आग लग गई। हम लोग गेट तोड़ के और बाहर निकलते निकलते आग में आग पूरी तरह से लग गई थी। फिर उसके बाद 100 नंबर पे कॉल किया गया, जो सब लोग आए हुए हैं 100 नंबर से पूरा मुआयना करने के लिए। सर अब इसका जो भी उचित कार्रवाई आप लोग करने के लिए, किसी प्रकार की लाइट नहीं आई गाड़ी में, किसी प्रकार का अंदाजा नहीं लगा। बस गाड़ी जैसे वहाँ गई तो धुआं जरा शुरू हुई, गाड़ी खड़ी करते ही आग लग गई। कौन सी गाड़ी है? इको स्पोर्ट। और क्या नंबर है? गाड़ी नंबर है UP 32 HS 9166। तो उसमें अचानक आग लग गई, इसलिए उनके जो गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर लोग भी थाने गए हैं आगजनी टाइम करवा। तो सर जी कितने लोग थे उसमें? उसमें 4 लोग बैठे। कोई ऐसा जनहानी? नहीं, जनहानी कोई जनहानी नहीं भैया। एचएफ डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माय आरटीओ बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब 77,500 रुपए में आज ही अब हीरो एचएफ डेलक्स खरीदें।